हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएचके सुपीरियर। हाँ जी, हमने लेसन नंबर 43 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं और जो कि हमारा टॉपिक है हाउस प्लान पार्ट टू इन ऑटोकैड। और आज हम जो उनसी कंपोनेंट कवर करने जा रहे हैं वो है वॉल्स। आज हम वॉल्स बनाएंगे अपने हाउस की बाउंड्री, यानी ग्राउंड फ्लोर की हम वॉल्स बनाएंगे और डोर की प्लेसमेंट्स के लिए जगह देंगे। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल कमांड यूज़ करता हूँ स्नैप ट्रैकिंग के थ्रू। यहाँ पर रखकर अब मैं इस तरफ की ओर स्नैप ट्रैकिंग यूज़ करता हूँ और यहाँ से इस तरफ ड्रा करता हूँ 25 feet by 45 feet। ठीक है, अब ये करने के बाद एक तो आपके पास तरीका है, हमने इसकी बाउंड्री वॉल्स 9 इंच की बनानी है। 9 इंच की इसकी बाउंड्री वॉल, 9 इंच की इसकी बाउंड्री की वॉल बनानी है। एक तरीका तो ये है कि हम इसे पहले एक्सप्लोर कर दें और एक्सप्लोर करने के बाद जैसे हमने की है ऑफसेट यूज़ करें वो कमांड और 9 इंच की इसकी बाउंड्री वॉल्स 1 by 1 कर दें। दूसरा तरीका एक और है, वो क्या, इसे मैं रेक्टेंगल रहने दूँ। मैंने दो दफ़ा कंट्रोल दी की है, ऑफसेट कमांड यूज़ करें, 9 इंच के ऊपर पुट करें और अंदर की तरफ ड्रैग करें। हमने कभी भी जो उनसी वॉल्स की जो भी थिकनेस वगैरह देनी है अपने जो उनसा होगा डिज़ाइन उसके अंदर की ओर देंगे, बाहर की ओर नहीं देंगे, अंदर की तरफ देंगे। इसी तरह जब हम रूम बनाएंगे तो अगर हमने 9 फीट का रूम बनाया है तो हम वो 9 फीट के रूम के अंदर वॉल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, उससे बाहर की ओर जो उनसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखें ये बन गई। अब ये देखें मैंने ये दो, यानी कि ये बन चुकी हैं वॉल्स। ठीक है, अब मैं इसे आराम से एक्स एंटर करके दोनों को एक्सप्लोर कर दूंगा। ठीक है, ये एक्सप्लोर हो गया। एक तरीका ये था मेजोरिटी बनाना। अब हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ से रेड से और फ्रंट से साइड छोड़ते हैं। मैं रेड से इस लाइन से लाइन से यहाँ तक 5 फीट का छोड़ूंगा, जबकि यहाँ से मैं इस लेंथ से 5 फीट का छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक गराज बनाएंगे। गराज को मैंने 5 फीट इसकी एजेंसी है वर्टिकल डिमेंशन रखी है, तो इसलिए मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक करूँगा। ठीक है, और रेड साइड पर मैं यहाँ से करूँगा क्योंकि ठीक है, तो मैं ऑफसेट कमांड यूज़ करता हूँ 5 फीट एंटर, ये यहाँ से ये यहाँ से एंटर किया मैंने। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैं यहाँ पर ड्रा करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मेरा होगा किचन, इसके बाद होगा बेडरूम, यहाँ स्टोर रूम होगा, यहाँ हम छोटा सा बाथ बनाएंगे, इस बाथ के साथ होगा यहाँ पे फुटर एरिया, यहाँ पे हम एक गराज बनाएंगे। ये वाला हिस्सा हमारा डाइनिंग रूम का है, ये वाला हिस्सा जो है स्टेयर्स का है, और ये वाला जो हिस्सा है ये लिविंग एरिया है। ठीक है, सो अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम जब भी कोई घर बनाएंगे तो हम पहले इसकी मैपिंग एक कागज़ पे कर लेंगे, वो उस पर ग्रिड पेपर पे, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, सो अब मैं स्टार्ट करने लगा अपना काम। जितना मेरे ये 3 जो उनसे यहाँ से हैं रूम्स और चौथा गराज, इसकी जो उनसी वर्टिकल हॉरिजॉन्टली विड्थ है वो है 9 फीट की। ठीक है, तो मैं ऑफसेट ओ एंटर करता हूँ 9 फीट यहाँ से एंटर करके यहाँ से इस तरफ की ओर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर इस लाइन की थिकनेस देते हैं 4 इंचज़ की। ठीक है, मैं ऑफसेट एंटर करता हूँ 4 इंचज़, वॉल की थिकनेस दे देते हैं। उसके बाद मैं अब ऑफसेट यूज़ करते हुए मेरे जो किचन है उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो उनसी विड्थ है वो है 8 फीट। वो विड्थ नहीं, सॉरी, हाइट जो उनसी है वो 8 फीट है। मैं 8 फीट एंटर करता हूँ इस लाइन को पकड़ के। ओहो, 8 फीट मैंने कहा है, रेक्टेंगल ऑफसेट 8 फीट एंटर यहाँ से इस तरफ की ओर 4 इंचज़ की मैं इसकी दीवार कर रहा हूँ कि हमारी जो बाथरूम की वॉल है, ओह सॉरी, किचन की वॉल है उसकी थिकनेस 4 इंच है। उसके साथ ही हमारा रूम है, ऑफसेट यूज़ करते हुए मैं 9 फीट का हमारा रूम है, इसको मैं यहाँ से लेकर ये कर दिया। उसके बाद फिर मैं 4 इंचज़ की यहाँ से भी वॉल ड्रा करूँगा। उसके बाद 7 फीट का हमारा स्टोर रूम है, उसकी हाइट यहाँ से इस तरफ की ओर जाएंगे। यहाँ पर अब मैं फिर से 4 इंचज़ की इसकी वॉल जो सी है वो इंक्लूड करूँगा। ठीक है, अब हम इसके बाद इसकी जो सी होगी हमारा जो डोर है इसकी हमें 4 इंचज़ की जो सी है लाइन इंक्लूड करूँगा 4 इंचज़। ये करने के बाद
मेरे यहाँ पे गराज की जगह बन चुकी है। उसके बाद मैं फिर से 4 इंचीज़ की जो सी है लाइन ये वाली इस तरफ की ओर ड्रा करूँगा। तो ये मेरी सारी एक्सटीरियर्स और सॉरी वॉल्स जो सी हैं वो ड्रा हो चुकी हैं। अब क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर वॉल होगी, हाँ होगी, यहाँ पर इन दोनों वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे मैप के अंदर नहीं है वॉल्स, तो मैं इसको कर दूँगा ट्रिम, TR डबल एंटर ट्रिम करेंगे हम। अब हमने ट्रिम के अंदर एक और काम करना है, ये कोने जहाँ जहाँ से मिल रहे हैं उन सबको भी हमने क्लीन करना है, यानी कि ये ऐसे हाउस में ये किस्म का रेक्टेंगल सा दिखता है, इसमें वॉल्स में ऐसे निशानात नहीं होते, बनाते वक्त हम ऐसे नहीं रखते। ये देखें, इनको इनको हमने क्लियर करना है, जैसे मैंने इसे किया, यहाँ पर इसका कट था इससे पूरा किया, जैसे कि ये देखें इस तरह के कट सुन से हैं वो हम अपने मैप में नहीं रखते, इसको कटें, इसे कैंसिल करें, यहाँ से ये देखें ये नहीं होता, ये देखें इसको हमने क्लीन करना है, क्लीन कट करना है हमने इसे, इसी की तरह इसको भी करना है। देखें ऐसे करके हम इन सबको जो उनसे क्लीन कर देंगे। हाँ इस तरह से नहीं होते हमारे, इसको भी ऐसे क्लीन कट करेंगे, और जो ये दो हैं इन्हें हम खुद काट लेंगे क्योंकि ये नहीं हो सकती उससे। अच्छा आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, जब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कोई चीज़, अक्सर आपको प्रॉब्लम होती होगी सिलेक्ट करते 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 करते, जब आप नीचे की ओर जाते हैं और ऐसे कर जाते हैं, जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी सिर्फ ये चीज़ सिलेक्ट होती है, ये नहीं होती, ये क्यों? जो सी चीज़ आपकी, जब आप सिलेक्शन करने जाएंगे माउस के साथ, जो सी चीज़ आपकी स्क्रीन से बाहर चली जाएगी उसे सिलेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मेरा है, ये देखें दोनों सिलेक्ट हो गए, अगर मैं इसे इस तरह से सिलेक्ट करता कि इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ड्रैगर के ऊपर ले जाता और फिर इसे सिलेक्ट करता, तो मेरा सिर्फ ये सा सिलेक्ट होता, ये सा सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ स्क्रीन के ऊपर होगी ये उसी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, इसका भी अपने ध्यान रखना है, इसको मैं ऐसे डिलीट कर रहा हूँ। ये हमारी वॉल्स की जितनी भी हमने वॉल्स बना, जो सी हमारी वॉल्स की सेटिंग थी वो मुकम्मल हो गई है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम डोर्स की प्लेसमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, एज आप जानते हैं कि जो गराज है हमारा, यहाँ से हम करना भूल गए इसको ट्रिम, देखें मैं यहाँ से डोर्स की डोर्स लेयर ऑन कर लेता हूँ, एल एंटर, यहाँ से यहाँ तक और एंटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया, एंटर किए बन गया, ये हमारा गराज का ये डोर बन गया। और अब ये हम मेन, अब हम यहाँ पे इसका डोर बनाएंगे किचन का, ऑफसेट यहाँ से हमारा डोर ओपन होगा, ये निशानदेही कर दी। अब मैं सॉरी लाइन कमांड यूज़ की थी मैंने, ऑफसेट कमांड यूज़ करते हुए मेरा जो उनसे इसकी विड्थ होगी इस गेट की वो 4 फीट है। ठीक है, 4 फीट की मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाऊंगा, नहीं 3 फीट का, हाँ मैंने 3 फीट का लगाना था यहाँ पे गेट, सॉरी ऑफसेट कमांड यूज़ करता हूँ, 3 फीट, 3 फीट यूज़ करते हुए ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रा की, अगेन फिर से मैं एल एंटर करता हूँ, ये मेरा है रूम, इसकी मैंने 4 फीट की रखी हुई है दरवाज़ा, वैसे मिनिममली जो उनसे रूम्स होते हैं उनकी 4 फीट होती है, और जो उनसे बाथरूम्स और किचन वगैरह होते हैं इनकी 2 फीट की दरवाज़े की विड्थ होती है, मगर आपकी इसके ऊपर वेरी करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा भी बनाना चाहें दरवाज़ा, इट्स अप टू यू। ठीक है, उसके बाद मैं अगेन एल एंटर करता हूँ, और ये मैं स्टोर रूम के लिए बना रहा हूँ, ठीक हो गया। इसकी मैं जो विड्थ दूंगा ऑफसेट, इसकी मैं दूंगा 3 फीट की, यहाँ तक, ठीक है, ये लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं थी, सॉरी, TR डबल एंटर,
कंट्रोल जी एक्सटेंड ठीक है। और अब हमने यहाँ पे एक्सटेंड कमांड फिर से यूज़ करके मैं इसको इसका गैप भी ख़त्म करता हूँ, इसे यहाँ से पकड़ के इसको इस कोने को इस कोने से मिला देते हैं हम। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे मैंने एक बाथरूम बनाना था, इसके लिए मैं कुछ डिमेंशन इसकी नाप लूँगा डी एल आई करके कि मेरे पास कितनी जगह स्पेस बाकी बची है। हमारे पास 8 फीट 11 इंचज़ की यहाँ से स्पेस बाकी बची है, जिसका मतलब मैं यहाँ पर 5 फीट का बाथरूम बना सकता हूँ, 5 फीट बाई 6 फीट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करूँगा, यूज़ करते हुए इसको इस तरफ से इस तरफ लेकर जाऊँगा और मैं यहाँ पे बनाऊँगा 6 फीट बाई 5 फीट। एंटर, सॉरी डोर्स की लेयर में, इसे मैं वॉल्स लेयर में कर लेता हूँ, वॉल्स लेयर कौन भी कर लेते हैं। इसे मैं मूव कमांड के थ्रू मूव करूँगा यहाँ से और यहाँ इसे सेट करूँगा और इसे यहाँ से मैं एक्सप्लोड कर दूँगा। एक्सप्लोड के बाद ये और ये लाइन नहीं चाहिए हमें, इन दोनों के लिए हम ऑफसेट देंगे 4 इंचज का, इसका यहाँ और इसका यहाँ की ओर। ये ले, ये बन गया। अब बाथरूम का जो है दरवाज़ा है, मैं 4 फीट का रख रहा हूँ, एंटर। ओ सॉरी, 2 फीट उसकी होगी विड्थ, हाइट 2 फीट का दरवाज़ा है बाथरूम का। अब ये देखें, मैंने सारे दरवाज़ों की कर दी, हाँ इस दरवाजे की रहती है, पहले मैं इसकी कर देता हूँ। डी एल आई करके चेक करते हैं हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना एरिया है हमारे पास। 14 में 7 फीट का दरवाज़ा लगा रहा हूँ। एल एंटर करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लाइन ड्रा हो गई। अब मैं ऑफसेट कमांड यूज़ करता हूँ, 7 फीट का मैं यहाँ दरवाज़ा लगाऊंगा, बिल्कुल सेम सामने लगेगा दरवाज़ा इतने ही फीट का। तो मैं ऑफसेट, ओहो तो मैं सीधा कॉपी कमांड, सी ओ कॉपी कमांड यूज़ करूँगा इसको और इसको कॉपी करूँगा, एंटर करूँगा और इसको पकड़ लूँगा, बेस पॉइंट बनाऊँगा। बेस पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा एक बन चुका है गेट, और जो मेन गेट है उसको भी मैं ऐसे ही करूँगा, ऑफसेट दूँगा। हाँ इसको भी 4 फीट का बना लेते हैं हम, दरवाजे को नहीं, इसको 8 फीट का रखना है। तो मैं एल एंटर करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ की ओर एंटर, ऑफसेट कमांड यूज़ करते हुए 8 फीट यहाँ से इस तरफ की ओर। अब ये सब कुछ हमारा जो उनसे ड्रा हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड लेंगे और जहाँ जहाँ हमारे डोर्स हैं उनको ट्रिम करते जाएंगे। डबल एंटर करने के बाद ऐसे आप इसे ट्रिम कर देंगे, आप इसको इस तरह से ट्रिम कर देंगे। ये वॉल में चाहिए नहीं थी, इन्हें बाद में ट्रिम करता हूँ। ये हम इसे ट्रिम कर देंगे, इसे ट्रिम कर देंगे, इसको भी ट्रिम कर देंगे। ये देखिए, ये भी डोर था, इसे भी ट्रिम कर दिया हमने, ये भी डोर था, ये भी डोर था, हमने इन सबको ट्रिम कर दिया। अपने डोर्स के लिए जगह छोड़ दी है, ठीक है। ये दो वॉल यहाँ नहीं थी, गलती से लग गई, इसको मैं आपस में जोड़ देता हूँ। ये देखें, ये हमने बेसिकली अपनी वॉल सारी ड्रा कर ली हैं और अपने दरवाज़ों के लिए जगह छोड़ दी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके जो उनसे अपने दरवाजे पुट करेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे दरवाजे लगा कर हम इसे ओवर कर देंगे, ठीक है। अब हमने आज के लेक्चर में जो सीखा वो तो हमने वॉल्स बनाई, एक अपने जो उनसे ग्राउंड फ्लोर की मुकम्मल उनसे ये वॉल्स की मैपिंग की। अब हम अगले अगले लेसन में हम ये तमाम डोर्स यहाँ पर प्लेस करेंगे और विंडो सेट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।